Children, welcome all of you in English class. Children, today I'll teach you chapter 3, The Rooster and the Fox. In this chapter, we see a rooster and the fox. And the rooster makes fool to the fox. Now start the chapter. An aged widow lived with her two daughters in a small cottage. बहुत समय पहले की बात है, एक widow lady अपनी दो बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी. इन हर बर्न यार्ड शी केप्ट काउज पिग्स शीप एंड हेंस. और उसके बर्न यार्ड में जहाँ के एनिमल्स रहते हैं, एक यार्ड जहाँ पर वो एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पर उसने काउ पिग्स शीप एंड हेंस को पाल रखा था, उसको वो उनके पेट से. हर बर्न यार्ड वॉज वेल प्रोटेक्टेड बाय द फेंस एंड डिच. उसका बर्न यार्ड बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट था फेंस से. इट वॉज रूल्ड ओवर बाय अ रूस्टर कॉल कूपर. और वहाँ पर एक रूस्टर जो था वो कूपर नाम का रूस्टर उसको रूल करता था, मतलब कि वह उसकी रखवाली भी करता था और वहाँ पर उसी का शासन चलता था. कूपर वॉज द बेस्ट क्रॉवर इन द लैंड. कूपर जो था सबसे अच्छे क्रॉ करने वाला, मतलब बांग देने वाला, लैंड पर सबसे अच्छा बांग देने वाला था. वेन ही स्टूड ऑन हिज टोज, फ्लैप्ड हिज विंग्स, रेज हिज हेड एंड क्राउड, He could be heard far and wide. जब कभी वह अपने पंजों पे खड़ा होता था, अपने विंग्स को, पंखों को फड़फड़ाता था, अपने हेड को उठाता था और क्राउन, अपने क्राउन को ऊपर करता था, तो उसकी आवाज़ को दूर दूर तक सुनी जा सकती थी. He was handsome, बहुत handsome था, fine looking bird था, बहुत सुंदर, देखने में बहुत सुंदर bird था. The comb On his head was brilliant red. उसके सर पे जो कॉम था बहुत सुंदर था और बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का था. His bill was as black as jet. उसके बिल जो थे बिल्कुल ब्लैक करके थे. And his body shone like gold and his toenails were whiter than lilies. और उसके बॉडी गोल्ड की तरह शाइन करते थे, उसके toenails जो थे वो बिल्कुल लिली फ्लावर की तरह बिल्कुल वाइट कलर के थे. Just as Cooper sitting on the fence was appreciating himself. जब कभी कूपर फेंस पर बैठ करके अपने आप को अप्रिसिएट करता था, यानी अपनी तारीफ खुद ही करता था. मिस्टर रेनार्ड द फॉक्स केम नियर द बर्न यार्ड एंड सॉ हिम. मिस्टर रेनार्ड एक फॉक्स थी और वो वहाँ पर आई बर्न यार्ड में, उसने उसको देखा, कूपर को देखा. आह शी रेन से रेनार्ड लिकिंग हिज लिप्स. तो रेनार्ड ने कहा आह, और अपने जीभों को लिप्स पे फेरा, मतलब उसके मुँह में पानी आ गया. What a healthy bird it is. तो उसने सोचा फॉक्स ने, कितना हेल्दी बर्ड है ये. It would definitely make a fine dinner for me. अगर ये मुझको मिल जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा डिनर हो जाएगा. And my family, और मेरी फैमिली के लिए. I must be careful not to frighten it. और मैं इससे डरूंगी नहीं, else it will be fly away, कि उड़ जाए, इससे पहले मैं इसको अपना भोजन बना लूँगी. So he casually came closer to Cooper. इसलिए वह धीरे धीरे लापरवाही से उसके कूपर के और नज़दीक आ गए. गुड मॉर्निंग माई डियर फ्रेंड सीसन. उसने कहा मेरे प्यारे दोस्त गुड मॉर्निंग. आई हैव नॉट हर्ड योर सिंग टूडे, इज एवरीथिंग फाइन. मैंने आज तुम्हारा गाना नहीं सुना, क्या सब कुछ सही है. ओ येस ऑल द फाइन. सिर कूपर ने कहा हाँ सब कुछ ठीक है. यू आर अ फाइन, तुम बहुत अच्छे हो, हैंडसम हो, यंग हो, सेड द कनिंग फॉक्स. कनिंग फॉक्स ने उसकी चापलूसी करते हुए उसकी तारीफ की. फॉर मोर हैंडसम दैन एनी वन, और तुम्हारे जरा इतना हैंडसम संसार में कोई भी नहीं है. ओ येस सेड कूपर विद एन एयर ऑफ प्राइड. तो कूपर ने कहा अरे हाँ, और वो गर्व से भर गया, मतलब उसके बहुत वो उसके मन में घमंड आ गया. योर फादर वॉज अ वंडरफुल सिंगर. रेनार्ड कैरेट और रेनार्ड अपनी बात को जारी रखते हुए उसने कहा कि तुम्हारे पिता एक आश्चर्यजनक वंडरफुल सिंगर थे. आई बेट यू कैन नॉट सिंग एज मेलोडियस एज हिम. और मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम उतना अच्छा नहीं गा सकते जितना कि तुम्हारे फादर गा सकते थे. What rubbish, I can sing far better than him, said Cooper ने अपनी तारीफ करते हुए कहा. क्या बेवकूफ़ी बातें कर रहे हो, मैं उनसे अच्छा गा सकता हूँ. जस्ट वेट एंड लिसन, ठीक है मेरे गाने को तुम सुन लो. एंड विद इन सेकेंड कूपर बिगैन टू ग्रो. और कुछ ही क्षणों में कूपर ने गाना गाना शुरू कर दिया. कॉक अ डूडल डू, कॉक अ डूडल डू, कॉक अ डूडल डू. जस्ट वेट अ मोमेंट, सेड द क्लेवर रेनार्ड थॉटफुली. तब क्लेवर फॉक्स ने
सो कुछ सोचते हुए कहा, रुको थोड़ी देर के लिए वेट करो, योर नोट्स आर अ लिटिल लो, तुम्हारी आवाज़ बहुत धीमी है, योर फादर हैड अ स्पेशल वे ऑफ सिंगिंग, तुम्हारे पिता बहुत स्पेशल तरीके से गाना गाते थे, ही वॉज इन हैबिट ऑफ शटिंग हिज आईज, वह अपनी आँखों को बंद करके गाना गाते थे, एंड रेजिंग हिज अपने सर को उठा लेते थे, पपिंग आउट हिज क्लोज चेस्ट बिफोर ही सेंग, और अपने चेस्ट को पफिंग कर देते थे जब वो गाना गाते थे, फुला लेते थे, आई हैव नेवर हर्ड सच म्यूजिक इन दिस माई लाइफ, और मैंने उनकी तरह गाना पूरे लाइफ टाइम में कभी नहीं सुना है, दिस रियली हर्ट कूपर्स प्राइड, और यह सुनकर के कूपर का गर्व जो है वह उसको हर्ट करने लगा, वो जस्ट हियर मी बिफोर यू गो, सेठ कूपर ने कहा ठीक है मेरे गाने को सुनो जाने से पहले, आई विल प्रूव यू दैट आई कैन सिंग बेटर देन योर माई फादर, मैं प्रूव करता हूँ कि मैं अपने फादर से अच्छा गाना गा सकता हूँ, सेइंग दिस कूपर क्लोज हिज आईज, और यह कहकर कूपर अपनी आंखें उसने बंद कर लिया, टुक अ डीप ब्रीथ और एक गहरी सांस ली, एंड पुट इन हिज बेस्ट एफर्ट टू क्रो, और बहुत अच्छे से कोशिश किया क्रो करने के लिए, द कनिंग रेनार्ड डिड नॉट वेस्ट, और जो चालाक दुष्ट रेनार्ड थी उसने अब एक क्षण भी बर्बाद नहीं किया, ही स्प्रैंग अप एंड सेज्ड कूपर, वह जल्दी से उछली और उसको जल्दी से झपट के पकड़ ली अपने मुँह में, उसके गले को पकड़ लिया, देन ही रैन आउट ऑफ द बर्नयार्ड एज फास्ट एज ही कुड, और तेजी से वहाँ से यार्ड के पास उसे बहुत तेजी से वो भागने लगा, वॉट अ फूल आई वॉज टू लिसन टू द क्लेवर फॉक्स फ्लैटरी, वॉट अ फूल, कितना मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने इस क्लेवर फॉक्स की बातों को, चापलूसी वाली बातों को मैंने सुना, कूपर ने अब मन में सोचा और बहुत सॉरी फील किया, अब गॉड हैज पनिश्ड मी फॉर माई वैनिटी, अब भगवान मुझको पनिश करेंगे मेरी अपने आपको तारीफ करने के लिए, माई एंड इज नियर ओ डियर ओ, तो वो सोचने लगा कि अब तो मेरा अंत समय नज़दीक आ गया है, नाउ रेनार्ड हैड टू रन हार्ड बिकॉज द विडो हैड हर वर्कर्स हु हैड सीन हिम ग्रैबिंग कूपर, अब रेनार्ड बहुत तेज़ी से भागने लगे क्योंकि उस विडो और उसके वर्कर्स जो थे उसने कूपर को उसके झपटते हुए देख लिया था, और वेयर चेजिंग हिम, और वो उसका पीछा करके उसको पकड़ने जा रहे थे, All of them were running after Renard with spades and hay forks in their hands, trying their best to nab him. और सभी लोग उसको दौड़ते हुए Renard को फावड़ा और hay forks लेकर के हाथों में कुछ ना कुछ औजार लेकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि वो जल्दी से उसको पकड़ लें, Drop that bird, shouted the widow angrily. तब widow गुस्से से बोली, उस चिड़िया को छोड़ दो, यू तुम चोर हो, यू squandered स्टीलिंग माई कूपर एंड रनिंग अवे विद हिम, तुम बहुत बेईमान हो, तुमने मेरे कूपर को चुरा लिया है, और दौड़ते हुए वह उसके पीछे दौड़ी, वेट टूडे आई विल टीच यू अ लेसन, रुको मैं तुम्हें भी तुम्हारा एक सबक सिखाती हूँ, क्लेवर कूपर डिड नॉट गिव अप होप, ही थॉट ऑफ एन इंटेलिजेंट प्लान, और क्लेवर कूपर भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ा था, और एक बुद्धिमानीपूर्वक उसने भी प्लान बनाया, मिस्टर रेनार्ड ही सेड इन अ स्वीट सॉफ्ट वॉइस, तो उसने मधुर आवाज में कहा, मिस्टर रेनार्ड व्हाई आर दीज स्टूपिड फेलोज अननेसेसरली शाउटिंग एट यू, क्यों ये बेवकूफ़ लोग तुम्हारे पीछे चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं, यू हैव मी इन योर पोजिशन, जबकि मैं तुम्हारे शिकंजे में हूँ, मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ, और मैं तुम्हारे से बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा हो गया हूँ, यू गो अहेड एंड टेल देम दैट, जाओ उनको बता दो ये सारी बातें, दिस वॉज अ ब्रिलियंट आइडिया, यह सुन करके फॉक्स को बहुत लगा बहुत अच्छा आइडिया है, रेनार्ड टर्न अराउंड एंड शाउटेड एट द विडो, रेनार्ड जल्द घूम पीछे मुड़ा और विडो को ऊपर चिल्लाते हुए बोला, दिस इज माई बर्ड नाउ इट डज नॉट बिलोंग टू यू सो स्टॉप चेजिंग मी, कि यह मेरी चिड़िया है, अब यह बर्ड मेरा हो गया, अब यह तुमसे बिलोंग नहीं करता है, और रुको मेरा पीछा तुम लोग मत करो, एज सून एज रेनार्ड ओपन हिज माउथ टू स्पीक कूपर स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माउथ, और जैसे ही रेनार्ड ने अपना माउथ ओपन किया बोलने के लिए, कूपर जल्दी उसके मुँह से निकल कर भाग गया और उड़ गया, एंड पर्च्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, और जाकर के एक ट्री के ब्रांच पर जाकर के बैठ गया, पुअर रेनार्ड ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड बाय द टाइम ही रीच्ड द वुड, और बेचारे रेनार्ड जो थी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी उस समय, और जा करके जंगलों में चली गई, एज द विडो एंड हर मेन वर हॉट एंड हील्स, अब वो विडो और उसके आदमी सब उसके करीब थे, वॉट अ फुल आई वॉज टू ओपन माई माउथ, आई वॉज पेड बैक इन द सेम क्वाइन
बेवकूफ़ ही था, तो उसने सोचा कि कितने मैं बेवकूफ़ हूँ जो मैंने अपना मुंह खोला और मैंने अपनी बेवकूफ़ी का जो सिक्का मुझे मिला था वो मैंने खो दिया है। तो फॉक्स ने सोचा कि मैंने उसकी बातें क्यों सुनी और मैं जो मेरे साथ उसने वही किया जो मैंने उसके साथ किया, यानी कि सेम तरीके से उसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। If I had not listened to Cooper, I had been enjoying a great meal with my family. यदि मैं अपना मुंह नहीं खोला होता कूपर के लिए तो मैं आज एक अच्छा मील भोजन जो अपनी फैमिली साथ इंजॉय कर रहा होता और वो कूपर मेरे पास होता। And now children, I hope you have understood this chapter very well. Thank you. जय हिंद।